नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फरुखाबाद में छेड़खानी करने वाले युवक को चप्पलों से उसकी पिटाई की गई है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आरोप है कि आरोपी लड़कियों को टैक्सी में बैठने के बाद चॉकलेट देता था। जब एक लड़की ने टैक्सी चालक की शिकायत परिजनों से की तो लड़की के परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी। परिजनों ने मनचले युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामला कादरीगेट थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड के सामने का बताया जा रहा है। ज्वाइंट तरफ सरकार का आदेश है कि समय रहते ही सड़क को दुरुस्त कर दिया जाए, जिससे कि बरसात में लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो। लेकिन रायबरेली में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। रायबरेली की बात करें तो नाव से लालगंज तक बन रही फोर लेन सड़क लगभग एक साल हो चुका है, इस पर काम हो रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं समरी चौराहे के बीचों बीच सड़क पर पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियां तो हो ही रही हैं। साथ ही साथ इतनी धीमी गति से काम हो रहा है कि क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष है। वहीं आज जो पीएनसी विभाग की लापरवाही से समरी चौराहे के पास उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब फरीदाबाद से लालगंज भूसी लाद के लिए जा रहे ट्रक रोड पर खराब होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वहीं ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साल से ये रोड बन रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से रोड जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीएनसी विभाग की लापरवाही जरूर सामने निकल कर आ रही है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीमरी चौराहे का बताया जा रहा है। कानपुर के बिलहौर में युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर बहन को मारने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि ससुराल वाले लड़की को लंबे समय से मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। मामला बिलहौर थाना क्षेत्र के उत्तरपुरी चौकी क्षेत्र के जैसरपुर मऊ का बताया जा रहा है। तो कानपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। वहीं भाई ने, मृतका का जो भाई है, उसने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि लगातार वो उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। नगर निकाय चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को हापुड़ में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं भाजपाई भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आसपास के जिलों से फोर्स की मांग की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी, कमांडो और पीएसी के जवान, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड के अलावा खुफिया विभाग की टीम भी सुरक्षा में तैनात की जाएगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 5 मई को एक दिवसीय दौरे पर हापुड़ पहुंच सकते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर के एसएसवी कॉलेज, रामलीला मैदान और आनंद विहार को जनसभा के लिए चिन्हित किया गया है। इन्हीं में से किसी एक स्थान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना तय है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के प्रचार को लेकर डिप्टी सीएम से कहा कि अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको प्रचार करने का अधिकार नहीं है। जनता इन लोगों के चरित्र को जानती है। इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, अपराधियों को बढ़ावा दिया गया है, साइकिल को बिना वोट दिए जनता बोल रही है कि वो पंचर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। सत्ता से बेदखल होने के बाद अखिलेश यादव की बेचैनी है। डबल इंजन की सरकार में ऐतिहासिक काम हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से झूठी है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार से पूरे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। अफजाल अंसारी की सदस्यता को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। तो वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को झूठी पार्टी बताया। साथ ही साथ उनका कहना है कि अखिलेश यादव बेचैन है क्योंकि सत्ता से बेदखल है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, अब लगातार काम हो रहा है और आगे ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है ताकि और ज्यादा प्रदेश में विकास हो सके। ट्रिपल इंजन सरकार करेगी,
अफजाल अंसारी की 4 साल की सदस्यता रद्द की गई है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2 साल की जिसकी भी सजा हो जाती है, किसी भी वो सदन का सदस्य होता है तो सामान्य ढंग से उसकी सदस्यता समाप्त होती है, और उसमें अफजाल अंसारी की अगर सदस्यता गई है तो ये कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण किया, राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण किया, जातवादीकरण किया, परिवारवादीकरण किया। अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ जब पहला अपराध किए थे और यह लोग सत्ता में उस समय कार्रवाई करने के लिए प्रभावी पैरवी करते जो इस समय भाजपा सरकार में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली सरकार में हो रहा है। निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 36 के निर्दलीय पार्षद ने क्षेत्रीय जनता के लिए अपने दिल की बात बोली है। आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। हर वार्डों से नए और पूर्व पार्षद अपना अपना नामांकन भर के पूरी ताकत से परचम लहराने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ हमें वार्ड 36 में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस से पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुकी मीना मिश्रा को पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा टिकट न देने के लिए उल्लंघन करने पर वो अपनी जनता के लिए निर्दलीय खड़ी हो गई हैं और त्रिशूल चुनाव चिन्ह से अपनी जनता के लिए रोड पर उतर आई हैं। मीना मिश्रा ने बताया है कि मुझे अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए और अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए किसी भी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जनता के लिए ऐसे ही हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहूंगी, और साथ में बताया कि मेरे लिए जनता में प्रेम ही प्रेम है। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह हमारा त्रिशूल। वैसे हम कांग्रेस पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव भी रहे हैं, किसी कारण से टिकट ना मिलने की वजह से हम निर्दलीय लड़ रहे हैं और टिकट किसी को भी नहीं मिला है इस बार से, वार्ड 36 से। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगी? बस यही मुद्दा है भी हमारा कि जो गली गली काम पड़ा हुआ है, अंधेरा पड़ा हुआ है, नालियां खुली पड़ी हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े निकलते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं, रोड नहीं सही है। बस यही मुद्दा है कि हमको अपना विकास अच्छा करना है क्षेत्र में। वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने अहमदाबाद हाईवाई अड्डे पर सूडान से लौटे 231 भारतीयों का स्वागत किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लौटे 208 गुजराती गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने उनका स्वागत किया है और कहा कि युद्ध क्षेत्र में उतरना कभी आसान नहीं होता। हमारी सेना के जांबाज के जवानों ने बहुत ही बहादुरी से इस मिशन को अंजाम दिया है, जो गर्व की बात है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या सूडान, हमारी सेना और सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया है और उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया है। केंद्र सरकार के समन्वय से राज्य सरकार द्वारा आने वाले सभी लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अहमदाबाद एयरपोर्ट आए करीब 231 भारतीयों का अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने स्वागत किया। कुल 231 में से 208 गुजराती सूडान से लौटे हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सूडान से लौटे लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन कावेरी के तहत सेना के सहयोग से कठिन परिस्थितियों में एक के बाद एक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सूडान में फंसे हर भारतीय को उनके परिवारों के साथ वापस भारत लाने के लिए कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में उतरना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमारी सेना के जांबाज इस मिशन के लगातार पूरा कर रहे हैं और हिम्मत से काम ले रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कल संत कबीर नगर के जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में आगमन होगा। आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के आगमन में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए डीएमएसपी समेत सभी आला अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्रीय भाजपा मंत्री शहजादानंद राय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और नगर निकाय चुनाव में 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील भी कर सकते हैं। पालिका और 7 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद और उनके सभासदों के साथ पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है।
कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ी रैली इस नगर निकाय में संबोधित करने आ रहे हैं, उसकी तैयारी और समीक्षा बैठक के नाते मैं अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी, प्रवीण निषाद जी, विधायक हमारे सदर के अंकुर राज तिवारी जी, गणेश जी, अनिल त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय समीर सिंह जी के साथ बैठ के और हमारे सभी नगर पंचायतों के संयोजक और प्रभारी के साथ बैठ करके हम लोगों ने समीक्षा किया है। कासगंज में अचानक भरभराकर मकान की छत गिर गई। छत के मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मकान के आगे के हिस्से के कमरे में महिला अकेली सो रही थी। मकान के अन्य हिस्सों में परिजन सो रहे थे। ग्रामीणों की मदद से छत के नीचे दबी बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला के परिजन में कोहरा मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली सौर क्षेत्र के गाँव रफायतपुर आनंदीपुर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। तीन बजे के करीब हुआ था, जैसे कि हम मान लो सो रहे थे तो एकदम से आवाज़ आई, फिर उठ के हम छत पे आए। छत पे आने के बाद हमने देखा तो फिर गेट के द्वारा यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आके देखा पूरा मलबा पड़ा हुआ था ये, और ये इसमें अंदर दबी हुई थी। फिर आके हमने देखा एक दो इसमें पशु वगैरह थे उनको निकाला, फिर बाद में एक और चारपाई को निकाला, उसके बाद उसको भी नहीं ये मिली, तो करीब इन्हें निकालने में हमें 20 से 25 मिनट लग गई थी। जब जाके इन्हें निकाल पाया, उसके बाद जब तक इन्हें निकाला जब तक ये मृतक हो चुकी थी। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। आगरा प्रभारी ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा प्रचार प्रसार में शामिल हुए। आगरा के नूरी दरवाजा शहीद भगत सिंह गेट से रोड शो की शुरुआत हुई। शहीद भगत सिंह मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोड शो की ऊर्जा मंत्री ने शुरुआत की और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा की, जहाँ पर भाजपा ने चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। रोड शो की शुरुआत की गई है। रोड शो में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने एक रोड शो निकाला। इस रोड शो में ए के शर्मा शामिल हुए, साथ ही साथ उन्होंने यहां पर भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। साथ ही साथ भाजपा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई है। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी नजर आए और ये जो रोड शो है वो काफी लंबा रोड शो बताया गया है। बदायूं सांसद संगमित्र मौर्य ने संभल के बबराला में डोर टू डोर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने बदायूं में कमल खिलने का दावा किया है, तो वहीं उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी सजा देने का काम कर रहे हैं, हमारा काम पार्टी के लिए कार्य करना है। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य ने संभल जिले के बबराला में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा कि वो पूरे यूपी की बात तो नहीं कर रही, लेकिन इतना जरूर है कि बदायूं लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि बदायूं लोकसभा की सभी सीटों पर इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं, भारी अंतर से बीजेपी की जीत होगी। भाजपा सांसद संगमित्रा मौर्य ने मुख्तार अफजल अंसारी की सजा पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है ये सब मुख्यमंत्री योगी का काम है, हमारा काम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। समय हम लोग अभी सिर्फ चुनावों में दे रहे हैं और ये शीर्ष नेतृत्व जो योगी जी प्रदेश को संभाल रहे हैं ये उनका निर्णय है। वो माफियाओं को किस तरह से सजा दे रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी का काम है। हम लोगों का काम है पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहना। संभल में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने सपा प्रत्याशी के कार्यक्रम स्थल के बाहर नारेबाजी की। पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों की भीड़ पर लाठियां भांजी।
निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना यासीन का समर्थन करने वाले कुंदुर्गी के एसपी विधायक जियाउर रहमान वर्क भी मौके पर पहुंचे। एसपी विधायक ने हंगामा कर रहे समर्थकों को शांत किया। एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो रहे निर्दलीय प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के कार्यक्रम थाना नखासा क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मतदाता जागरूकता बाइक रैली का शुभारंभ किया। सिविल डिफेंस द्वारा आयोजित की गई बाइक रैली का शुभारंभ हुआ है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रैली को रवाना किया गया। सिविल डिफेंस के नियंत्रक जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। अब की बार हम सबको अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है, जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हुए नजर आए। पिछली बार 38% वोटिंग हुई थी, इस बार अधिक से अधिक वोटिंग करवानी है। सुरपाल गंगवार ये कह रहे हैं, आप सब अपने आसपास रहने वाले नागरिकों को जागरूक करें। चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा ये कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव में घर से निकलकर वोट डालने के लिए लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जकेब ने नगर निकाय निर्वाचन 2023 के मद्देनजर पहुंचे स्मृति उपवन पार्क पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की तैयारियों का जायजा लिया और उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की कि फायर सिस्टम, मेडिकल हेल्थ, पंडाल, पेयजल, फूड कोर्ट और शौचालय की व्यवस्था अच्छे से करा ली गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सभी व्यवस्था करा ली गई है। 250 गाड़ियां पोलिंग पार्टी के लिए रवाना होने के लिए लगाई गई हैं। उसके बाद मंडलायुक्त रमाबाई स्ट्रांग रूम, काउंटिंग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे और समस्त तैयारियों का जायजा भी लेती हुई नजर आई हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वो वीडियो है जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में शिवाजी नगर के सुरेंद्र सिंह नेगी को थप्पड़ मारते हुए प्रेमचंद अग्रवाल नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। मंत्री के गनर ने भी युवक को जमकर पीटा है। हालांकि वजह क्या है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन तस्वीरें तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। कोरोना काल के समय बंद हुए कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलने वाली गढ़वाल एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। इस दौरान नागरिक मंच और व्यापार संघ के साथ ही कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन रोकने की कोशिश करते हुए अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन करते हुए लोग पटरी पर उतर गए और ट्रेन के आगे खड़े हो गए। वहीं स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की ओर से बमुश्किल लोगों को मनाकर वापस बाहर लाया गया। देखिए, जो कोटद्वार का नागरिक मंच और अन्य संस्थाएं हैं, उन लोगों ने मिलकर के ये प्रयास किया कि ट्रेन को रोका जाए। हालांकि ट्रेन को वो नहीं रोका, उन्होंने रुकी हुई ट्रेन के आगे फिर अपना प्रदर्शन किया है। एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें उनकी मेन मांग ये है कि पहाड़ के लोगों को, खासकर कोटद्वार को, यहाँ से दिल्ली और अन्य बड़ी जगह जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, तो उनको ट्रेन की एक मांग है, उस मांग को लेकर कहीं इन्होंने ये सांकेतिक धरना और रेल रोकने का प्रयास किया था। कानपुर में फर्जी रिपोर्ट बनाकर मांझनी अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। एचआईवी हेपेटाइटिस रोगी को नेगेटिव बताकर ऑपरेशन थिएटर ले गए। डॉक्टर ने शंका होने पर दोबारा जांच कराई गई तो सत्यता सामने आने पर डॉक्टर ने एडिशनल सीएमओ से शिकायत की। वही सीएमओ ने कार्रवाई के नाम पर आश्वासन तो दिया है, मगर कार्रवाई कितनी होगी आने वाला वक्त बताएगा। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुराना शिवली रोड स्थित मांझनी अस्पताल में एक मरीज इलाज के लिए आया था, उसके पैर में फ्रैक्चर था। हॉस्पिटल संचालक ने ऑपरेशन की बात कही और हॉस्पिटल में बने शिव लैब में जांच कराई। एचआईवी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव रिपोर्ट बना दी, जिसके लिए
मरीज से 1,000 रुपए ऐंठ सके। ऑपरेशन करने पहुंचे डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने शक होने पर दोबारा जांच कराई तो स्थिति सामने आ गई और उन्होंने एडिशनल सीएमओ को फर्जी रिपोर्ट बनाकर ऑपरेशन कराने की बात कही। डॉक्टर अजय ने तत्काल शिकायत कर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पेशेंट माँ अंजनी हॉस्पिटल से कल्याणपुर से भेजा गया था हड्डी का केस करने के लिए। मुझे एनेस्थीसिया के लिए कॉल किया गया। मैंने मरीज को टेबल पे पाया और एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में टेस्ट उसके नॉर्मल पाए, लेकिन रीचेक करने पे थोड़ा शंका हुई तो इसलिए रीचेक किया गया ब्लड टेस्ट, जिसमें कि वायरल मार्कर्स गलत पाए गए। जो रिपोर्ट साथ में मरीज की आई थी उससे भिन्न पाया गया और पॉजिटिव HIV के लिए और पॉजिटिव HBsAg हेपेटाइटिस के लिए भी पाया गया। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संजीवा द्वारा लिखित गीत मन की बात भाड़ में जाए अच्छे दिन की ऐसी तैसी बेटियां सुरक्षित करना सको तो छोड़ दो कुर्सी के नारों के साथ देश के आन बान शान बढ़ाने वाली बेटियों के समर्थन में धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन SHO विनय शर्मा को सौंपा है। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले ही उनका शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। देश में अब धर्म और जाति देखकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोषी सांसद बिद्यभूषण सिंह को तत्काल जेल भेजा जाए और निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आज जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों द्वारा आंदोलन कर किया जा रहा यौन शोषण के खिलाफ, और देश के प्रधानमंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं का यौन शोषण किसी भी आम आदमी द्वारा अगर किया जाता है तो तत्काल FIR करके उसको जेल भेज दिया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।